सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सीजी एक्सप्रेस को और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी एक्सप्रेस चैनल। रामचंद्र की कथा सुन श्रोता हुए भाव विभोर। एटाचुंगी आए बाईपास नगला देवी पर श्रीमद भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें पाल व्यास हृदेश कुमार शास्त्री एटा से पधारे। उन्होंने भगवान योगी राज कृष्ण के संबंध में कथाओं का वर्णन कर लोगों का दिल जीत लिया। वहीं उन्होंने राम जन्म को लेकर काफी अच्छा ज्ञान दिया, जिससे सुनने वालों के लिए वहां काफी लोग मौजूद रहे और वहां पे उन लोगों को काफी ज्ञान की भी प्राप्ति हुई है। छप्पन, दूसरा आदमी जवानी, तीसरा आदमी बुढ़ापा, चौथा आदमी मौत। जब इस केके को देख लिया तो महाराज दशरथ ने अशुपति से एक बात कही, सुना आप अपनी बेटी की शादी हमारे साथ में कर दीजिए। अशुपति कहने लगे, भला मैं नहीं करूंगा, क्यों? तुम्हारे घर में दो औरतें तुम्हारी मौजूद हैं, जो मेरी बेटी की संतान होगी, आप उसके लिए क्या करोगे? उसी दिन महाराज दशरथ ने अशुपति को यह वचन दिया था, चाहे हमारी कितनी भी संतान हो जाए, लेकिन अयोध्या का राजा बनेगा तो तुम्हारी बेटी का बालक ही बनेगा। मेरा नाम हृदेश कुमार शास्त्री। हाँ, आज क्या वर्णन, कौन सी लीला का वर्णन कहा जाएगा? आज भगवान श्री राम का जन्म होगा, विवाह भी होगा सीता स्वयं महाराज। कथा किस प्रकार से कथाएं कहते हैं यहाँ, जैसे श्रीमद् भागवत कथा? हाँ जी। हाँ, इसके सुनने से और करने से क्या लाभ होता है लोगों? इसे सुनने से जन्मों जन्मों के हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जैसे समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? समाज के लिए हम तो यही समाज को सुधार पर करना चाहते हैं।